हेलो टू एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 1 जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टूडेंट्स, ये रिवीजन है आपके कि वैसे तो ये चैप्टर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर मैं समझता हूँ कि आपने अपने नोटबुक में अच्छे से किए होंगे जो मैंने आपको थ्रू PDF प्रोवाइड कराए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो चैप्टर है इसमें एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर को एक्सप्लेन किया गया है और ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है क्योंकि जो पीपल बिलोंग करते हैं रूरल एरियाज से, विलेजेस से, वो किस किस एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं और वर्किंग कल्चर कैसा होता है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। साथ में ये बताया है कि फार्मिंग के साथ साथ पालमपुर के अंदर अदर एक्टिविटीज़ भी चलती है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनको कंबाइंड करके विलेज के अंदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है। पालमपुर है वो नियर बाय टाउन है राजगंज के और ये 3 किलोमीटर्स अवे है पालमपुर से, क्योंकि हाइपोथेटिकल एक विलेज लिया हुआ है तो पूरा लोकेशन बताई हुई है कि उसके आसपास टाउन्स हैं, उसके आसपास नियर बाई नेबर विलेजेस हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बल्क कार्ट्स, टांगास, बोगी कार्ट ड्रोन बाय द बुफेलोज। अब क्या है कि जैसे आप हम अपने आसपास की विलेजेस देखते हैं तो वो जो विलेजेस होते हैं वो भी नियर बाई जो टाउन होता है उससे कनेक्टेड होते हैं और थ्रू ट्रांसपोर्ट आना जाना करते हैं, थ्रू आर ट्रांसपोर्ट। अब जो प्रोडक्शन होती है गाँव के अंदर उसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी ले जाकर सेल की जाती है और उनको थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही ले जाया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट यहाँ पे बताया हुआ है डेट इज़ जैगरी। जैगरी जिसको गुड़ भी कहते हैं, जो कि थ्रू शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है। विलेज है उसमें 450 फैमिलीज़ बिलोंग करती है और जो बिलोंगिंग्स हैं वो डिफरेंट कास्ट से हैं। 80 फैमिलीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि दे आर ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज़, वो ज़्यादातर लैंड बिलोंग करती है अपर कास्ट फैमिलीज से और जो उनके हाउसेज हैं दे आर पक्का हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड प्लास्टर्स। उसके अलावा जो दलित्स हैं वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हैं और एक कॉर्नर में रहते हैं उस गांव के और उनके जो हाउसेज हैं दे आर मच स्मॉलर हाउसेज और जो कि कच्चे हाउसेज हैं दे आर मेड फ्रॉम द मड एंड स्ट्रॉज। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पावर ट्यूब वेल्स चलाए जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको शो किया है इसमें ये भी बताया हुआ है कि भाई जो पालमपुर है उसमें 2 स्कूल्स हैं। देर में यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विलेज पालमपुर। ये कह सकते हैं कि जो विलेज पालमपुर है एक डेवलप्ड विलेज है जिसमें डेवलप सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है और स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक इमेजिनरी विलेज है तो आप अगर अपने विलेज या उसके आसपास के एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि भाई विलेज के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, कोई प्रोडक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ों की या क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना। पहले प्रोडक्शन का एम क्या होता है, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है जिनकी हमें नीड होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज या गुड्स हैं उनके लिए 4 रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। जो कि अगर मैं बात करूँ वाटर और फॉरेस्ट और मिनरल्स एक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हम उसको लैंड में ही काउंट करते हैं। तो मेन जो रिसोर्स है उसको हम लैंड बोलेंगे। सेकंड जो रिसोर्स है डैट इज़ लेबर, सेकंड रिसोर्स या फैक्टर प्रोडक्शन भी कहते हैं इसको। तो पहला फैक्टर प्रोडक्शन हमने पढ़ा लैंड और दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी डैट इज़ लेबर। लेबर वो लोग होते हैं
जो वर्क करते हैं किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, और ये एजुकेटेड वर्कर्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वो एजुकेटेड भी हो सकते हैं, और वो वहाँ जो भी वर्क होता है या जो भी टास्क होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं। साथ में अगर मैं कहूँ कि फार्मिंग अगर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो फार्मिंग में भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो एग्रीकल्चर लेबरर होती है वो वहाँ के सारे वर्क करती है। नंबर थर्ड जो रिक्वायरमेंट है डैट इज़ फिज़िकल कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर रिलेट करती है जो मनी नीडेड होता है, जो पैसे की ज़रूरत होती है किसी भी एक्टिविटी करने में, डैट इज़ नोन एज कैपिटल। कैपिटल को हम यहाँ पर फिज़िकल कैपिटल कहते हैं, जो कि वेरियस इनपुट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं, जैसे आपके टूल्स हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, है ना। तो ये अगर फार्मिंग की बात करें तो फार्मर्स के पास बहुत सारी मशीन ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स हैं, है ना, जनरेटर्स हैं। और अगर अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें कंपनीज़ में या फिर इंडस्ट्री में, तो टर्बाइंस हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो ये टूल मशीन्स या बिल्डिंग्स जो होती हैं ये इनको हम ओवर मैनी ईयर्स काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स या ऐसी कैपिटल जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं, जिसके एग्जांपल हुए टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स, इनको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज की नीड होती है प्रोडक्शन में या ऐसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो कि रेगुलर चाहिए होती है, मतलब रेगुलर मतलब लगातार। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब इन्हें फुलफ़िल किया जाता है थ्रू द मनी या थ्रू द कैपिटल, तो ये रिक्वायरमेंट्स आती है अंडर वर्किंग कैपिटल। जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल और मनी। अगर मैं बात करूँ फार्मिंग की तो उसमें रेगुलरली यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, और जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनको वेजेस देनी पड़ती है, जो वो काम करते हैं उसके बदले पैसे देना पड़ता है। और ट्रैक्टर्स और मशीनरी यूज़ करने के लिए हमें फ्यूल की या डीजल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है फार्मर का। तो जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। और जो लॉन्ग टाइम के लिए एक बार इसे मशीन परचेज़ कर लिया, ट्रैक्टर परचेज़ कर लिया, डैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल है, और जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रेगुलर एक्सपेंडिचर हो रहा है, डैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है या फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है जो ओनर होता है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करता है, और साथ में जो रिस्क होता है प्रोडक्शन का उसको भी बियर करता है। यहाँ पर गिवन है देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। जो ये तीनों चीज़ें हैं उनको टुगेदर करने के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, इधर टू यूज़ योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट। अगर क्या तो खुद के लिए प्रोड्यूस करेंगे या फिर मार्केट में सेल करने के लिए। तो प्रोडक्शन खुद के लिए भी कर सकता है कोई, अपने कंजप्शन के लिए या फिर मार्केट में सेल करने के लिए, दोनों तरीके की प्रोडक्शन हो सकती है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाई कम्बाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को ह्यूमन कैपिटल कहा गया है, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चारों चीज़ें मिलकर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। बात करते हैं कि जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर वो है फार्मिंग। अब फार्मिंग में यही जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट या रिसोर्स जो है वो लैंड है। यहाँ पर दिया हुआ है फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 25% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेड ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड।
तो फार्मिंग के लाइवलीहुड है, दे आर कुड बी फार्मर्स, ये फार्मर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो फार्मिंग की एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं वो फार्मर्स हैं, और या फिर फार्म लेबरर्स, क्योंकि जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं एज ए फार्म लेबरर, उन वो भी डिपेंडेंट होते हैं फार्मिंग के ऊपर। जो लैंड है ये एक तरह से इसको हम एक फिक्स्ड मानते हैं, क्योंकि लैंड को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, और जो लैंड का एक्सपेंशन होना नामुमकिन है। जो लैंड होती है फिक्स होती है, आप उस लैंड के ऊपर उसी फिक्स पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जो पालमपुर में बताया है कि भाई जो लैंड है वो भी फिक्स है, और साथ में कुछ एरिया ऐसा है जो कि कल्टीवेशन के वर्क के लिए यूज़ नहीं होता है। तो कल्टीवेशन के लिए क्यों नहीं यूज़ होते हैं? शायद वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होगी, और जो एरिया कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता है उसको वेस्ट लैंड कहते हैं। जो वेस्ट लैंड है उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस तरह से जो वेस्ट लैंड को जब हम कन्वर्ट करते हैं कल्टीवेशन एरिया के अंदर, तो ये एक तरीका होता है एक्सपेंशन ऑफ लैंड करने का। जो वेस्ट लैंड है उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए कल्टीवेशन एरिया में, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। लेकिन इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो? इसके लिए आप एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि जो हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ होती है मेजरिंग लैंड, लैंड को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, वो हेक्टेयर है, और जो विलेजेस में यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है बीघा, है ना? बीघा आप भी देखेंगे तो बीघा में ही एरिए को मेज़र करते हैं हमारे यहाँ। जो हेक्टेयर होती है अगर उसकी बात करें, तो वो एक स्क्वायर में अगर आप लो, और स्क्वायर की जो साइड हो वो 100 हो, ठीक है, तो ऐसा जो एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर कहलाता है। मतलब उसकी लेंथ और विड्थ दोनों 100 मीटर 100 मीटर हो, तो ऐसा एरिया 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कहलाता है। अब हम स्टडी करते हैं, देयर अ वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम लैंड। अभी हमने बताया कि जो लैंड है वो फिक्स होती है, करते कि जो वेस्ट लैंड है उसको इंक्रीज़ किया जाए एज ए कल्टीवेशन के लिए, तब एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन जब हम फिक्स कहते हैं तो वो सारे एरिए को इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो कल्टीवेशन में है और चाहे वो वेस्ट लैंड है। अब क्या तरीके हो सकते हैं जिससे सेम जो फिक्स लैंड है उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए? इसमें एग्जांपल लेते हैं पालमपुर का ही, और ये जो पालमपुर विलेज को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, तो ये जिस एरिया में हम बिलोंग करते हैं वेस्टर्न यूपी में, वो एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को ही इसमें दिखाया गया है, इमेजिन किया गया है, और हम वही क्रॉप डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो हमारे यहाँ ग्रो होती है। तो इसको थोड़ा समझना आसान है क्योंकि ये हमारे आसपास का एरिया है जिसको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है कि लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई लैंड खाली नहीं रहती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, तो जो रेनी सीजन होता है उसमें खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर जवार और बाजरा उगाया जाता है। दीज प्लांट्स, इसको यूज़ किया जाता है टू फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को फीड करने के लिए, और साथ में कल्टीवेशन होता है पोटैटो का, उसका जो टाइम होता है बिटवीन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, विंटर सीज़न जब रबी की फसल को ग्रो किया जाता है, और इसमें प्रोड्यूस किया जाता है वीट को। तो वीट के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं वो इनफ होता है कि, क्योंकि वीट सबके यहाँ कंजप्शन में भी यूज़ होता है हर एक फैमिली में, और जो प्रोडक्शन जब हाई होती है किसी फार्मर के पास, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा बचता है आफ्टर कंजप्शन, जितना उसको लगता है कि मेरे को ये पर ईयर में कंजप्शन होगा, तो उसको कहलाते हैं एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता है सरप्लस। उस सरप्लस को मार्केट, जो नियर बाई मार्केट है पालमपुर के राजगंज में, वहाँ सेल कर दिया जाता है। तो ये वही एक तरह से एक्सप्लेनेशन है जो सब जगह के फार्मर यूज़ करते हैं, भाई जितना कंजप्शन है उसको अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं, और बाकी को सरप्लस को जो एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा होता है उसको नियर बाई मार्केट में सेल कर देते हैं। ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवेटेड टू शुगर केन, तो कुछ जो एरिया है उसमें शुगर केन भी ग्रो किया जाता है पालमपुर के अंदर, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ये ऐसी फसल है, ऐसी क्रॉप है जो इसको एक साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन
से जो प्रोडक्शन होती है अगर उसको रॉ फॉर्म में यूज़ किया जाए तो उसको जैगरी कहते हैं, जैगरी मतलब गुड, और जिसको जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो नियर बाई टाउन शाहपुर में सेल करते हैं। अब बात यह है कि जो पालमपुर है वहाँ पर क्या रीज़न है कि फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर, कि वो तीन तरह की क्रॉप ग्रो कर लेते हैं एक साल के अंदर। इसके पीछे रीज़न इन्होंने बताया कि वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। ये एक ड्रॉबैक रहता है बाकी के जो इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पूरे साल के अंदर एक ही क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर इरिगेशन की बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न यूपी का ये एरिया है यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं और रिजर्वायर्स हैं, और साथ में ट्यूबवेल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं, और डिफरेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू इरिगेशन की जाती है। और इरिगेशन ही थ्रू इरिगेशन ही एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो पाता है। इसमें इरिगेशन की फैसिलिटी बताई हुई है कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन कैसा है पालमपुर के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इसने एकदम चेंज कर दिया इरिगेशन का सिस्टम जब इलेक्ट्रिसिटी आई, और इससे पहले वहाँ पर पर्शियन व्हील्स यूज होते थे। जो पहले इरिगेशन होता था वो व्हील के थ्रू होता था, इसको पर्शियन व्हील कहते थे, जिसमें वाटर को वेल से निकाल के और लैंड में या फिर प्लॉट ऑफ लैंड्स में खेतों में इरिगेट किया जाता था। है कि पीपल सा द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल, और जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल है वो लगातार थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट करता है और कम टाइम में। साथ में इसमें बताया कि द फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल थे वो थ्रू गवर्नमेंट इंस्टॉल किए गए, अब वहाँ के जो बिग फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हैं वो खुद के अपने प्राइवेट ट्यूब वेल्स भी चलाते हैं। ये कह सकते हैं द टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में मैंने गिवन है कि व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो उसका आंसर है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर एक पीस ऑफ लैंड में एक से ज़्यादा फसल को उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप, मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 और 20 ईयर्स। और इस मल्टीपल क्रॉपिंग किसकी वजह से होती है, बेटर इरिगेशन सिस्टम की वजह से। और क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ये पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज स्टैब्लिश है, तो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अच्छी है, इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो एक साल के अंदर दो से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।